मिलता है ना, तो सोच लीजिए अगर आपका ये रूप सपने देख लिया तो आपकी विवेश की चमक पर काला अंधेरा छा जाएगा। एक बार लोग लोग कैसे इंसान है आप, पर विद्या के मंदिर में ऐसे कैसे कर सकते आप? आज मिश्री का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे मिश्री बहुत नर्वस हो जाती है क्योंकि सब लोग इंग्लिश में बात कर, इंग्लिश में सवाल जवाब हो रहे और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। तो वो सबको बोलती है कि मतलब यू नो इंग्लिश को इतना इसके हार जाती है, तो इंग्लिश को इतना वो नहीं करना चाहिए, हिंदी तो मुझे दोबारा चांस मिलना चाहिए ताकि हिंदी में जब हो तो मैं वहाँ पर प्रूव कर पाऊँ कि मैं पढ़ के आई हूँ एंड ऑल। तो यहाँ पे जो वो तो अभी तक हुआ नहीं, उसके बाद वाला सीन, यहाँ पे जो अभी समर्थ के साथ सीन हो रहा है, तो समर्थ इसको बहुत खरी खोटी सुना देता है कि यू नो हार गई हो तो बहाना मार रहे हो एंड ऑल, इंग्लिश सीखना चाहिए तुम्हें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत मतलब बहुत एक्चुअली बहुत लॉजिकल बातें करता है कि सब हिंदी में बात तो करते लेकिन साइन इंग्लिश में ही करते हैं एंड बहुत पॉइंट टू पॉइंट आंसर देता है वो। लेकिन मिश्री भी उनको बहुत अच्छे से जवाब देती है एंड जिसे सुन के उसको तो पसंद नहीं आता समर्थ हो, बट डेफिनेटली राघव बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है और राघव क्लैप करने लगता है और उसके चक्कर में सब लोग क्लैप करते हैं, वाह वाह करते हैं मिश्री की। और वो निकल समर्थ जब निकल जाता है तो मुझे थोड़ा सा ऑब्वियसली जो मुझे हो ही रहा है, जब जब मिश्री को अप्रिशिएट करता है राघव तो मुझे बहुत जलन होती है कि इतना क्यों अप्रिशिएट कर रहा है। तो वहाँ पे भी जब राघव अप्रिशिएट करता है तो उस मुझे लगता है कि वो शायद हक कर लेगा फिर से, यू नो क्लोज आ जाएगा, तो मैं वहाँ बीच में आ जाती हूँ एंड मैं उसको हक करके मैं भी उसको बोलती हूँ बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। एंड उसके बाद उसके बावजूद भी राघव उसकी इतनी तारीफ़ करता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी काबिलियत शायद राघव को दिखती ही नहीं है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा अपसेट होकर निकल जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं बाद में आती हूँ, मैं निकल जाती हूँ।